फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए यूज़ करूँगी गार्नियर का माइसेलफ वाटर, एंड उसके बाद मैं मॉइस्चराइजर एंड प्राइमर के लिए यूज़ करूँगी ये पतंजलि का एलोवेरा जेल। इसमें विटामिन ई कैप्सूल मिक्स किया हुआ है जो कि मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ हर रोज़, तो ये प्राइमर की भी काम करेगी। एंड उसके बाद मैं अपनी बेस के लिए यूज़ करूँगी पर्पल का फाउंडेशन, कैफिन कॉम्रेड लॉन्ग स्टे फाउंडेशन। एंड इसको फिक्स करने के लिए मैं यूज़ करूँगी मेबलिन का फिट मी पोरलेस मैट पाउडर, एंड इसका शेड है 110 पोर्सलिन पाउडर। आईज़ के लिए, आईब्रोज़ के लिए मैं यूज़ करूँगी वेट एंड वाइल्ड का जो पैलेट है, न्यूड अवेकिंग पैलेट, उसमें से ये डार्क वाला जो ब्राउन शेड है उसको मैं आईब्रो के लिए यूज़ करूँगी। यानी कौन सी आई को क्रिएट करूँगी उसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये ब्यूटी क्लेस्ट का जो कलर स्टूडियो प्रेस्ड पाउडर आई शेडो है, ये वाली पैलेट मैं यूज़ करूँगी। हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ करूँगी मेबलिन का ये मास्टर स्ट्रोबिंग क्रीम, एंड फॉर कंटूर माई फेस एंड फॉर द ब्लश मैं इसी पैलेट से इसको यूज़ करूँगी जो ब्राउन शेड होगा उसको। फॉर माई लैश मैं यूज़ करूँगी ये मेबलिन का फॉल्सेस पुशअप ड्रामा मस्कारा। आईज़ के लिए मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे नायका का नायका का रॉक द लाइन काजल। फॉर माई लिप्स मैं यूज़ करूँगी मेबलिन कलर सेंसेशनल 125 मैग्नेटिक मॉव जो लिप लाइनर है उसको मैं एज अ लिपस्टिक मैं यूज़ करूँगी। तो ये थी मेरी सारी प्रोडक्ट डिटेल्स इन शॉर्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।